फरमान समझते हैं, फरमान नहीं समझते हैं तो एक बार यूपी रोडवेज की उस तुगलकी फरमान के बारे में जान लीजिए जो बिना सोचे समझे जारी कर दिया गया है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी रोडवेज विभाग ने एक डेटा कलेक्ट किया जिसमें पता चला कि सितंबर महीने में लोग बसों में कम सफर करते हैं। बहरहाल सरकार बाबुओं ने यह फरमान जारी कर दिया कि दिन के समय 35 और रात के समय अगर एक बस में 25 सवारी ना हो तो चक्का जाम कर दें। जो बस डिपो में लगी है वह खड़ी रहेगी, लेकिन दफ्तर में बैठे सरकारी बाबुओं को क्या पता कि यूपी रोडवेज के बसों में न मंत्री, विधायक, सांसद या बड़े अधिकारी तो खुद सफर करते हैं, न उनके परिवार के लोग। सरकारी बसें उन लोगों के लिए हैं जो गरीब हैं और प्रीमियम सुविधा में पैसे नहीं खर्च कर सकते। रोडवेज डिपार्टमेंट के इस फरमान से लोग मारे मारे फिर रहे हैं और रात रात भटक रहे हैं। यकीन ना आए तो एक बार आगरा के प्रदीप कुमार को ही सुन लीजिए। प्रदीप अपनी पत्नी के साथ कानपुर के लिए निकले थे। बस ऑपरेटर ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन जैसे ही बस इटावा डिपो पहुंची तो यात्रियों की संख्या पूरी नहीं हुई और उन्हें बस से उतार दिया गया, जिस वजह से प्रदीप अपनी पत्नी को लेकर दर दर भटकते नजर आए। अब प्रदीप कह रहे हैं कि कब आदेश जारी हुआ, क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। कार में जो है इटावा से कानपुर जा रहा हूँ। तो आप जिस बस पर बैठे हैं इसमें सवारियां तो है ना? जी जी। तो आपको आपके कंडक्टर से बात हुई है क्या, वो जाएगा बस से? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं बात हुई है, कह तो रहे थे, अभी पूछा था उन्होंने, अगर तो कह रहे थे कि जो है कानपुर जाएगी। लेकिन एक आदेश हुआ है कि अगर 35 सवारी से कम है और रात में 25 से कम है जी, तो बस नहीं जाएगी। अरे आपको पता है? नहीं, ये नहीं मालूम मुझे। नहीं तो सर, फिर इसके लिए सवारियां तो परेशान हो जाएंगी। हाँ, ना सवारी परेशान हो जाएगी जो है। सवारियों की तो परेशानी आप सुनिए। सवारी परेशान होगी रात में, अगर मान लो रात हो जाती है तो फिर क्या करेंगे सवार ऐसे? तो फिर तो अब आपको क्या लगता है कि इससे आराम है कि कठिनाई है? नहीं, इससे बहुत कठिनाई है, तो सुन के हमको धक्का लगा जो है। हाँ, कठिनाई है क्योंकि अधिकारी ने अभी बताया और कंडक्टर भी बता रहे हैं कि अब आदेश है तो अब वो तभी बस जाएगी जब हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। अरे तो ये आदेश हमें तो नहीं अच्छा लगा। हमें तो सही नहीं लगा जो है। हमारी तो परेशानी कर दी ना, टाइम बाय टाइम जो है पहुंचना होगा। 35 सवारी पूरी नहीं होगी, 25 नहीं पूरी होंगी, तो फिर बताइए हम लोग क्या करेंगे फिर। रोडवेज के इस फैसले पर परिचालक भी कह रहे हैं कि ऐसा फैसला कभी नहीं आया था, लेकिन नुकसान को कवर करने के लिए ऐसा किया गया है। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आदेश आया है। ऐसा आदेश इससे पहले कभी आया? जी पहले नहीं कभी आया। ये आदेश अभी आया है, बोला गया है कि कम से कम गाड़ी में 30-35 सवारी हो तभी लेकर जाया जाए रोड पे। उससे कम पर भैया के विभाग का नुकसान हो रहा है। 30-35 सवारी होगी तो वो विभाग के लेवल में रहेगा। कब किसी कारण अगर सवारी नहीं निकल पाती तो आप लोग क्या, आप लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। जैसे 20 सवारी होगी या 25 सवारी होगी तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, फिर रास्ते में सवारी उठानी पड़ती है। इससे पहले कभी इस तरीके का आदेश आप लोगों को? कोई आदेश नहीं आया इससे पहले। ये कब आदेश कब तक के लिए है? अभी फिलहाल ये जब तो सवारियां कम है अभी तक है, जो सवारी निकलने लगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको रोडवेज बसों को चलाने वाले ड्राइवर को भी दुख बताते हैं। रोडवेज बस चलाने वाले राकेश कुमार कहते हैं कि पुरानी बस होने की वजह से यात्री चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, जिस वजह से यात्रियों की संख्या पूरी नहीं होती और घंटों बस को रोक कर रखना पड़ता है। अरे सवारी निकल रही, सवारी का गाड़ी निकल रही है, गाड़ी निकल रही है, गाड़ी मार पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी सरासर पा रहे हैं, दो चार बैठा उतर जा, बैठा उतर जा। तो फिर ये बताओ, अभी एक आदेश आया कि 35 सवारी से नीचे समझ जाए कहाँ रहेगा, हमें कुछ पता नहीं है। जो कंडक्टर जा रहे हैं कंडक्टर काम जाना, हमें चलाना है सिर्फ। इस मामले पर सबसे क्लासिकल जवाब इटावा रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन और खर्च पर कंट्रोल करने के लिए फैसला किया गया है ताकि सैलरी, मेंटेनेंस और बाकी खर्चा पूरा किया जाए। ये हमारा महीना सितंबर का लीन सीजन होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग हर समय यह ध्यान रखते हैं कि जो गाड़ियां जाएं बंचिंग में एक साथ न जाएं और उसमें सवारी इतनी रखें कि कम से कम जो है सारे खर्चे मीट आउट हों। इसके लिए कभी आदेश आया है हेडक्वार्टर से हमारे, जिसमें कम से कम 35 सवारी लेकर के दिन में गाड़ियां चलें
और रात्रि में 25 से कम न रहें। तात्पर्य यह है कि हमारी जो कास्ट है, डीजल और ये सैलरी, पार्ट पुर्जे और एक्सेसरीज, इसका खर्च आ जाए और हमें किसी भी स्थिति में यात्रियों को असुविधा न हो। बचत तो अच्छी बात है साहब, लेकिन अगर एक डिपो में 15 से 20 लोग फंसेंगे तो उसमें उनकी क्या गलती है? या जो लोग देर रात किसी जगह पर फंस जाते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रोडवेज डिपो के पास रात को क्या माहौल रहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर कोई महिला या दूर से आ रहे सवारियों के साथ कोई घटना घट जाएगी तो क्या होगा? वैसे इस फैसले को लागू करने से पहले यात्रियों को क्या इस बात की सूचना दी गई थी? यह सीधे गुटखा से रंगे दीवारों पर बदबूदार पेशाब घर के सामने नोटिस चस्पा कर दिया गया और फरमान पर अमल हो गया। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।